गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। प्रायश्चित क्यों कैसे, इसमें पापों से मुक्ति कैसे पाएं, इसके पहले पार्ट में पूज्य गुरुदेव ने पापों से मुक्ति के दो उपाय बताए थे। पहला उपाय था कि आप अपना जी खोल के गुरुदेव के सामने अपने सारे पापों को बोल दें, और दूसरा फिर कभी दोबारा ऐसी गलती ना हो ये पक्का कर लें। आपने किसी के साथ धोखा किया है, किसी के रुपए हड़पे हैं, तो उतने ही रुपए आप समाज की सेवा में या उससे ज़्यादा समाज की सेवा में लगा सकते हैं। इसे कहते हैं इष्टापूर्ति। आइए अब जानते हैं उससे आगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मान लीजिए आप किसी के कान पकड़ने की गुस्ताखी करें, तब उसके पैर छूकर प्रणाम कर लीजिए। अरे साहब, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, पैर छूते हैं आपके। कान पकड़ा था तो कान को छूना जरूरी नहीं, आप पैर को भी छू सकते हैं। सारा समाज एक है, इसके किसी हिस्से को आपने नुकसान पहुंचाया है तो आप उस नुकसान को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में भलाई का सलूक कर सकते हैं। जो आदमी मर गया जिसका आपने बेईमानी के साथ पैसा हजम किया था, अब कैसे उसका पैसा चुकाएंगे? वो व्यक्ति तो मर गया, किसी लड़की का चाल चलन खराब किया था, अब बताइए उसके चाल चलन को ठीक कैसे करेंगे? नहीं साहब, हम तो क्षमा मांगेंगे, लेकिन वो लड़की अब किसी की घरवाली हो गई है और जिसके बेटे भी बड़े हो गए हैं, सास ससुर भी हैं, वहाँ उनसे कहते फिरें, साहब हमने इस लड़की का चाल चलन खराब किया था और अब हम माफ़ी मांगते हैं। इस तरह आप भी पिटेंगे और वो लड़की भी मरेगी। जरूरी नहीं है कि जिस आदमी का आपने नुकसान किया है उसी को लाभ दें। सारा समाज एक है, इसलिए ये बात सही है कि सारे के सारे संसार के तालाब में एक बड़ा ढेला फेंका और लहरें पैदा कर दी। बुराई पैदा करने का मतलब एक व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि सारे समाज को नुकसान पहुंचाना है। बुरी आदतें आपने एक को सिखा दी, शराब पीना आपने एक को सिखा दिया, वो फिर दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को सिखाएगा, तीसरा चौथे को सिखाएगा। ये तो लहर है बुराइयों की। बुराइयों की भी एक लहर है और अच्छाइयों की भी एक लहर है। आपने बुराइयों की एक बार लहरें पैदा कर दी थी, अब उसका प्रायश्चित एक ही हो सकता है कि आप अच्छाइयों की लहरें पैदा करें, और उस अच्छाइयों की लहर को पैदा करके वातावरण ऐसा बनाएं जिससे कि उसका खामियाजा पूरा हो सके, खाई पाटी जा सके, उस छेद को बंद किया जा सके। आप इस प्रायश्चित की तैयारी कीजिए। आपने क्या क्या नुकसान पहुंचाया है उसका मूल्यांकन कीजिए। आपने कितने लोगों का समय खराब किया, दिल दुखाया, कितने आदमियों को आर्थिक हानि पहुंचाई, कितने आदमियों का चाल चलन खराब किया, इन सारी बातों को एक कागज़ पर नोट कर लीजिए और आप उसी के समान लाभ ब्याज समेत दे सकते हो तो क्या कहना। आपने जो कर्जा लिया है उसे ब्याज समेत चुकाइए, नुकसान पहुंचाया है उसे ब्याज समेत चुकाइए, और अगर ब्याज समेत नहीं चुका सकते तो कम से कम उतना तो फ़ायदा कीजिए, उतनी तो सेवाएं कीजिए, उतना तो पुण्य कीजिए जितना कि आपने पाप कमाया है। पाप और पुण्य को बराबर कर देना है, यदि ज़्यादा हो सके तो फिर और ज़्यादा कर दीजिए, फिर वो ब्याज चुकाने वाली ईमानदारी में शामिल हो जाएगा। ऐसा करने से आपके पुण्य का पलड़ा भारी हो जाएगा और अगले जन्म में काम आएगा। फिलहाल इतना ना कर सकें तो आपको किसी न किसी रूप में यहाँ इस शिविर में आकर के ये विचार करना चाहिए कि हमने पिछले दिनों जो गलतियाँ की हैं और आज तक जो करते हैं, इसका इस समय तो हम प्रायश्चित करते हैं, दंड भुगतते हैं, थोड़ा सा अपने को कठिनाई में डालते हैं।
कसम खाते हैं भविष्य में ऐसा ना करने की। ये तो करना ही करना चाहिए, लेकिन मूल बात है नुकसान का खामियाजा चुकाना। खामियाजा अगर चुका देंगे तब आपके पाप दूर हो जाएंगे और आपकी उपासना के मार्ग में, आत्मिक उन्नति के मार्ग में पग पग पर जो रुकावटें आती हैं उनके आने का सिलसिला बंद हो जाएगा। रुकावटें आप पार कर लेंगे तो उन्नति आपके कोई कठिन नहीं, भगवान बनना आपके लिए कठिन नहीं। शर्त एक ही है कि आपने अपने पिछले पाप और गुनाहों की जो खाई इकट्ठी कर रखी है, पर्वत इकट्ठे कर लिए हैं, उसको पाटें, लेबल एक सा करें और फिर रास्ता चलते चले जाएं। ये करना बहुत आवश्यक है। इस शिविर में आप ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखें। हमारी बात समाप्त। ओम शांति।